फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन की टांकों की हमें कैसे देखभाल करनी है। तो जनरली सिजेरियन में या तो सबक्यूटिकुलर स्टिचेस दिए जाते हैं या मैट्रस सूचर्स दिए जाते हैं। सबक्यूटिकुलर में घुलनशील धागा यानी अब्जॉर्बेबल सूचर दिया जाता है और बाहर की तरफ सिर्फ एक नॉट आती है, वो अंदर ही जो स्किन के जस्ट नीचे की लेयर पे दिया जाता है। उसमें जब आपके टांके कटेंगे तो सिर्फ एक डॉक्टर नॉट हटाएंगे, और दूसरा है मैट्रस सूचर्स जिसमें 8 से 10 टांके आते हैं। दोनों में वो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर नॉन घुलने वाले टांकों से दिया जाता है, उन टांकों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जिसका पहला बच्चा है, जिसकी स्किन अच्छी है और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, पेशेंट फैट नहीं है, अब्डोमिनल फैट नहीं है, तो उनमें सबक्यूटिकुलर स्टिचेस आराम से दिए जा सकते हैं। और जो पेशेंट में पहले सिजेरियन हो चुके हैं 1-2, ठीक है, या फिर मोटी है पेशेंट, फैट अब्डोमिनल लेयर फैट है, तो उनमें मैट्रस सूचर्स दिए जा सकते हैं। लेकिन दोनों की हीलिंग सेम है, ठीक है। और ये जो सिजेरियन के टांके हैं, जनरली डॉक्टर 4th डे आपकी ड्रेसिंग कर देते हैं और ऑइंटमेंट लगा देते हैं, और उसके बाद जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो आपको कॉटन के कपड़े लूज़ पहनिए ताकि टांकों पे कोई वो ना आए, और सफाई रखिए, अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी है। आप नहा धो सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड वाटर ओवर द स्टिचेस। इधर कोई पट्टी या फिर पॉलीथिन बांध के आप नहाएंगे तो बेटर रहेगा। और 8वें से 10वें दिन जैसे आपका डॉक्टर बुलाएंगे उस हिसाब से आपके टांके स्टिचेस रिमूव किए जाते हैं ड्रेसिंग करने के बाद। अगर पहले 2 या 3 सिजेरियन हुए हों तो हो सकता है डॉक्टर 10वें 12वें दिन भी स्टिचेस के लिए बुलाए आपको रिमूव करने के लिए। और जिनका पहला सिजेरियन है उनका 7वें 8वें दिन जनरली टांके रिमूव हो सकते हैं, बट ये डॉक्टर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है आपको ऑइंटमेंट दिया जाता है, आप 2-3 दिन उसमें ऑइंटमेंट अप्लाई कीजिए, और एक बार आपके टांके रिमूव हो गए तो आप पानी बिल्कुल लगा सकते हैं और आप नहाइए। वार्म वाटर से आप डिटॉल साबुन से उस जगह को साफ़ कीजिए, और दिन में 2-3 बार, और थोड़ा सा उसको ड्राई करके 2-3 बार वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाइए। सिजेरियन के समय वहाँ पे काफ़ी सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो कट जाती हैं, तो इसलिए पेशेंट को सुन सुना सा लगता है उस जगह। तो ये वापस नर्व्स रीजनरेट होने में, वापस आने में, नसें वापस आने में 6 महीने तक लग जाते हैं। तो उस जगह थोड़ी सी सुर्राहट या थोड़ी सुनसुनापन या लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ फील नहीं होना, ये सब 6 मंथ्स तक भी लग जाते हैं ठीक होने में। तो जो सिजेरियन अंदर, लेकिन आपके बेसिकली ऊपर जो टांके हैं लेकिन अंदर भी आपके घुलने वाले टांके सारे दिए जाते हैं। हम यूट्रस को जो है लेयर्स में स्टिच करते हैं, यूट्रस स्टिच करते हैं, उसके बाद पेरिटोनियम स्टिच करते हैं, उसके बाद एक रेक्टस शीट होती है उसको स्टिच करते हैं। तो सबकी स्ट्रेंथ आने में एक्चुअली 6 मंथ्स तक लग जाते हैं, क्योंकि अगर रेक्टस शीट की स्ट्रेंथ नहीं आई तो पेशेंट को हर्निया वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 6 मंथ्स तक आप जो है भारी काम अवॉइड कीजिए और लाइट एक्टिविटी करते रहिए, बहुत ज़्यादा फिजिकली ओवर एक्टिव नहीं होना है। और सिजेरियन के जस्ट बाद आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है। विटामिन सी के लिए नींबू लेते रहिए, हाई प्रोटीन डाइट रखिए, जैसे कि आपको दाल पीनी है, क्योंकि वेजिटेरियन है तो सिर्फ दाल ही, दाल और पनीर और मटर लेग्यूम्स, यही हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड जाता है प्रोटीन। और पनीर आप मैक्सिमम जितना भी मीठा या नमकीन कैसे भी करके सूखा किसी भी फॉर्म में पनीर लीजिए, और क्योंकि विटामिन सी जो है वो हीलिंग में हेल्प करता है, तो आप नींबू दाल में डाल के या फिर थोड़ा सा ऑरेंज वगैरह भी ले सकते हैं, या मौसमी का रस वगैरह ले सकते हैं। और जो एग खाते हैं उनके लिए एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें हीलिंग बेटर होगी। जो पेशेंट्स डायबिटीज़ है या जिसको एनीमिया है, खून की कमी है, उनमें स्टिचेस में कभी कभी हीलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो जनरली टांके ठीक निकलते हैं अगर आपको खून की कमी नहीं है। सपोज़ अगर आपको खून की कमी है तो डॉक्टर अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करे तो प्लीज़ वो कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड से ही प्रॉपर फिर हीलिंग होगी आपके टांकों की। अगर आयरन के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करने को कहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा। कभी कभी सिजेरियन के दौरान काफ़ी आपका ब्लड लॉस हो चुका होता है, या फिर ब्लीडिंग की वजह से ही हमें सिजेरियन करना पड़ा है, तो उस केसेस में ब्लड और एनी अगर शो ब्लड देना ज़रूरी हो जाता है, तो वो टांकों के लिए भी अच्छा रहता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ है तो हीलिंग में डिले करेगी। अगर आपका पहले सिजेरियन हो चुके हैं
तो भी अगर आपका सपोज़ पेट बहुत ज़्यादा मोटा है, खाल लटक रही है, तो उस सब केसेस में भी सिज़ेरियन के टांके हील होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, हाइड्रेशन रखना है, और जो फैनन स्टील इंसिशन, आड़ा इंसिशन दिया जाता है, उसमें हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वो आपकी स्किन क्रीज के अलॉन्ग रहता है, बाद में दिखता है, पता भी नहीं चलता है कि आपका कभी इंसिशन लगा था। लेकिन जो वर्टिकल इंसिशन होता है, जो सीधा खड़ा हुआ इंसिशन रहता है, वो जनरली दिखता है, तो आजकल फैनन स्टील इंसिशन ही दिया जाता है। हालांकि दोनों तरह के इंसिशन में के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन कॉस्मेटिकली अगर हम देखें तो फैनन स्टील या जो आड़ा इंसिशन है, ट्रांसवर्स इंसिशन है इस तरह का, वो बेटर रहता है, क्योंकि वो अगर आप साड़ी वगैरह पहनते हैं तो बिल्कुल आ जाता है, इतनी अच्छी उसकी हीलिंग हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि इसमें सिज़ेरियन हुआ है। कभी कभी आपके टाँकों में पानी आ सकता है या मवाद आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कुछ हाई रिस्क कंडीशंस, आपको पहले से इन्फेक्शन रहा है, पहले से आपकी इम्यूनिटी कम है, या फिर अभी आपको इन्फेक्शन हो गया है, या डायबिटीज़ है, या एनीमिया है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उस केसेस में आपके टाँकों से मवाद वगैरह आ सकता है, तो डॉक्टर आपको हायर एंटीबायोटिक्स और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स और लोशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और कभी कभी टाँकों से जब चौथे दिन ड्रेसिंग करते हैं या उसके बाद भी अगर पानी वगैरह आता है, तो डॉक्टर आपको फिर रोज़ ड्रेसिंग के लिए बुला सकते हैं, या आप फिर आप एडमिट रह के ही ड्रेसिंग करा के वो पानी सारा निकालना रहता है। और पानी को कभी कभी हम कल्चर सेंसिटिविटी जांच के लिए भेज देते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक उसके प्रति सेंसिटिव है, तो वो एंटीबायोटिक फिर आपको दी जाती है, कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है उसमें, ठीक है। तो और कभी ड्रेसिंग नॉर्मल पानी ही निकल जाता है, जो मोटी महिलाएं होती हैं, ओबेस होती हैं, उनमें थोड़ा सा फैट लेयर डिसॉल्व होके करता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ये जो है एक या दो टांके खुद खुल सकते हैं, तो वो भी सपोज़ अगर ओबेस महिला है, इसीलिए तो वेट मेंटेन करने की बहुत वो है, क्योंकि स्टिचेस के टाँकों में भी दिक्कत आ सकती है, या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन भी आपकी बेटर रहना चाहिए, ठीक है। तो एक या दो स्टिच आपको दोबारा भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन वो स्किन के सुपरफिशियल स्टिच अगर हैं तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, स्किन में लेके इंसिशन सूचरिंग डॉक्टर आपकी कर देंगे और 8वें 9वें दिन 10वें दिन वो स्टिचेस भी रिमूव कर दिए जाएंगे। हार्डली कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन के ही नहीं, रेक्टस शीथ या पेरिटोनिया रेक्टस शीथ भी खुल जाती है। ऐसे बहुत ही जिनकी इम्यूनिटी लो है, या जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी है, जिनको सिवियर इन्फेक्शन है, या फिर कोई और कारण है, तो उस वजह से, या लेबर में आप बहुत देर तक पड़े रहे, दर्दों में पड़े रहे, आपने किसी से बार बार पर्वेजाइनल एग्जामिनेशन कराया है जिससे कि इन्फेक्शन आपके यूट्रस में हो गया है, तो उस वजह से पेट में इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी रेक्टस शीट जो स्किन के नीचे का लेयर है वो भी खुल सकता है, तो उसमें या बर्स्ट एब्डोमेन भी एक कंडीशन है। ये सब कुछ डराने के लिए नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो वो सब भी हो जाता है रेयरली, तो उसके लिए डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, एक छोटा सा ऑपरेशन करके आपके 2-3 लेयर यूट्रस के वो स्टिच कर दिए जा सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में जो है कि आप प्रॉपर अपनी सफाई रखिए, खाना अच्छा खाइए, ज़्यादा लोगों से मिलिए मत, क्योंकि जो भी आएगा कुछ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तभी तो हमारे पहले किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, सिज़ेरियन है या डिलीवरी है सूबड़ वगैरह कह के, तो वो सब चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। मिनिमम लोगों को अलाउ कीजिए, बिकॉज़ हुएवर कम्स वो आपके बेबी के लिए भी इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, वायरल है आजकल, तो आप देख रहे हैं कितना मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। पहले हम लोग थोड़ा सब कुछ कैजुअल लेते थे, 10 लोग कमरे में घुस रहे हैं, 10 लोगों की चप्पलें आ रही हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। और सिज़ेरियन के बाद जो है आप बेल्ट लगा के रखिए, जनरली जब आप उठते हैं, वैसे तो अब्डोमिनल बाइंडर जिसे हम कहते हैं, या आपके साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट आती हैं, मोटी हैं या जितना आपकी कमर नाप के, तो जब आप उठें घूमने जाएँ, मतलब बाथरूम जाएँ, टॉयलेट जाएँ, उस समय आप लगा लें, और जब लेटी हुई हैं तब अब्डोमिनल बाइंडर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब्डोमिनल बाइंडर से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है पेट की लेयर को, और कभी कभी कोई बहुत ओबेस महिला होती है, बहुत मोटी जिसका ओवरवेट है, कभी कभी उनके साइज़ की बाइंडर नहीं आते हैं, या फिर मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप टाइट एक दुपट्टा भी बांध के नीचे की तरफ उसको रखेंगी, तो आप जब उठेंगी करेंगी तो आपको सिज़ेरियन के टाँकों में
दिक्कत नहीं होगी, और डॉक्टर द्वारा आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टाइमली लगाते रहिए तो आपके सिजेरियन के स्टिच प्रॉपरली घुल जाएंगे। और तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोस बनाने के लिए, और शेयर विद इट विद योर फ्रेंड्स, और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऑल्सो बेल आइकन लगा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपको मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।